नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रिया मिल शिवालिक हॉस्पिटल से, आपके अपने यूट्यूब चैनल चाय विद शिवालिक पे। तो है चाय का कप तैयार, चलो शुरू करें। तो पिछले हम देख चुके थे चार चैलेंजेस प्रेगनेंसी में हम कवर कर चुके थे। पांचवे चैलेंज पे हम आएंगे बीपी इन प्रेगनेंसी, प्री एक्लैम्शिया इन प्रेगनेंसी, मेडिकल लैंग्वेज में बोला जाए तो प्रेगनेंसी में होने वाले बीपी को हम कहेंगे प्री एक्लैम्शिया। अब ये क्या होता है प्री एक्लैम्शिया? प्रेगनेंसी में जो बीपी बढ़ता है, जो कि मोस्टली कब होता है, पाँचवें महीने बाद में या 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन के बाद में, मतलब कि 20 सप्ताह पूरे होने के बाद में अगर बीपी होता है और उसके साथ में प्रोटीन्यूरिया है, प्रोटीन्यूरिया मतलब कि जो आपके पेशाब की जांच में प्रोटीन्स प्लस प्लस आते हैं, तो उसको अपन कहते हैं प्री एक्लैम्शिया। तो अब ये क्यों होता है, इस किसकी वजह से होता है, इससे क्या हो सकता है, बच्चे को क्या हो सकता है, माँ को क्या हो सकता है, कैसे इसका ध्यान रखना है, कैसे हमें पता चलेगा और इसका ट्रीटमेंट कैसे क्या होगा, तो उसके बारे में आज हम बातें करेंगे। अब इनके सिम्टम्स क्या होते हैं कि हमें कैसे पता चलता है कि आपको बीपी है? तो देखो, बीपी ऐसी चीज़ है जो आपको कभी भी कह के नहीं आएगा कि मतलब मेरे को बीपी है, ना ही ये बाहर से दिखता है कि बीपी हो गया है। तो कुछ एक चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताऊँगी कि जिनकी वजह से आप थोड़ा सा पहले ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि सूजन आना, कहाँ पे, पैरों में सूजन आना, फेस पे सूजन आना, कभी हाथ में भी सूजन आना। तो औरतें कहती हैं, थोड़ी बड़ी लेडीज़ कहती हैं कि ये तो बच्चे की सूजन है। हो सकती है बच्चे की सूजन, कोई मना नहीं कर रहा है कि बच्चे की सूजन नहीं है, लेकिन आप पहले टेस्ट कराइए, डॉक्टर को चेक करवाइए। अगर वो कहते हैं कि नहीं, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, प्रोटीन की कमी नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो हो सकता है उसकी सूजन हो, लेकिन डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको कैसे पता चलेगा कि बीपी है? सिर दर्द होना, चक्कर आना, अंधेरी आना, आंखों के आगे अंधेरी आना, फिर उल्टी होना, छाती में जलन होना, ऊपर वाले पेट के हिस्से में दर्द होना, ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से आपको पता चलेगा कि बीपी हो सकता है। अब बीपी के बाद में जो अपने को ऐसा है कि ताण भी आ सकती है, उसके लिए जैसे अंधेरी आ जाती है आँखों के आगे, कई बार एकदम दिखना बंद हो जाता है, तो उसको अपन कहते हैं एक्लैम्शिया। ठीक है, एक्लैम्शिया में दो चीज़ें हम बोलते हैं कि एक तो ताण आना, जो कि सीजर्स आते हैं, झटके आते हैं, दूसरा अंधेरी आना। तो अंधेरी मतलब कि ब्लाइंडनेस हो जाना, कुछ भी दिखना बंद हो जाता है, तो उसे अपन कहते हैं एक्लैम्शिया। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी एक्लैम्शिया के बारे में, अभी हम प्री एक्लैम्शिया डिस्कस कर रहे हैं। फिर इसकी वजह से लीवर पे, किडनी पे, इन चीज़ों पे भी असर पड़ सकता है, उसकी वजह से अलग अलग तरीके के सिंड्रोम्स हो सकते हैं, आपके फेफड़ों के आसपास पानी भर सकता है जिसकी वजह से आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई कि जिसमें आपको दिखाना है, डॉक्टर को अपना ध्यान रखना है। अब डॉक्टर को कब दिखाना है, तो मैं कहूँगी कि एक बार जब आप प्रेग्नेंट होने की सोच रहे हैं, आप प्लान कर रहे हैं, उससे पहले ही एक बार आप अपनी डॉक्टर से मिल लीजिए। इसको अपन कहते हैं प्री कंसेप्शन विजिट, प्री कंसेप्शन काउंसलिंग, जिसमें आपके कुछ टेस्ट होते हैं, शुगर के, बीपी के, और कुछ टेस्ट होते हैं, फॉलिक एसिड की टैबलेट चालू कर दी जाती है, जिससे कि आगे आपकी प्रेगनेंसी की अपन ट्राई करें कि सेफ निकले और कोई प्रॉब्लम ना आए आपको प्रेगनेंसी में। अब क्यों होता है प्री एक्लैम्शिया, क्यों होता है बीपी? तो देखिए, जैसे आपका बच्चा अंदर बन रहा है, बच्चेदानी के अंदर बच्चा है, उसके अंदर एक आवड़ होती है प्लेसेंटा, जिसे अपन कहते हैं, जो कि माँ से खून लेके बच्चे तक पहुँचाती है। तो अब जो पहले वाली ब्लड वेसल्स हैं, वो उनके अलावा अब नई ब्लड वेसल्स बनती हैं। अब वो नई ब्लड वेसल्स जो बनती हैं, उनमें कई बार क्या होता है, वो सकड़ी है, उनको कुछ डैमेज हो चुका है, या फिर वो हार्मोन्स को प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही है, जो प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है उन ब्लड वेसल्स को, उसकी वजह से क्या होता है कि बीपी की शिकायत हो सकती है। तो ये एक इंटरनल सिस्टम है। अब ये क्यों हो सकता है कि ब्लड वेसल्स आपकी सकड़ी होंगी या ये डैमेज होंगी, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? एक तो जेनेटिक,
ये कारण हो सकता है। दूसरा, आपके इम्यून सिस्टम में ही कोई प्रॉब्लम है, मतलब कि आपके रोगों से जो लड़ने की क्षमता होती है उसे अपन इम्यून सिस्टम कहते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है। या फिर यूट्रस को ही, मतलब बच्चेदानी को ही आपके खून सही नहीं पहुंच रहा है, तो वहाँ ब्लड वेसल्स नहीं बनने के लिए भी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जीन्स भी इसमें काम कर सकते हैं। ये हो गया कि भाई कैसे क्या बीपी क्यों हो सकता है, तो ये हो गए इसके कारण। अब जो बीपी भी है, हाई बीपी है, वो भी तीन प्रकार का, जैसे मैंने एनीमिया तीन प्रकार के बताए थे। बीपी कैसे होता है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज प्री एक्लैम्पशिया, ये तो हो गए मेडिकल लैंग्वेज, ठीक है। अब जो हम बात करेंगे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, जो कि प्रेगनेंसी में होने वाले बीपी को हम कहेंगे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ये होता है 20 वीक्स के बाद में, जो मैंने बताया था 5 महीने के बाद में। क्रॉनिक हाइपरटेंशन, जो कि आपको 5 महीने से पहले भी हो सकता है, वो बीपी पहले से ही शुरू हो जाता है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन विद सुपर इम्पोज प्री एक्लैम्पशिया, मतलब आपको प्रेगनेंसी से पहले ही बीपी था और अब प्रेगनेंसी में वो बढ़ गया है, उसने जोर दे दिया है, तो उसको हम कह देंगे सुपर इम्पोज्ड। अब रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, किन कौन कौन लोग हैं जो बीपी होने की जिनमें ज़्यादा शंका रहती है, ये अपन पहले से ही कैसे इसके बारे में ध्यान रख सकते हैं। तो पहली बात तो आपको पिछली प्रेगनेंसी में बीपी था, तो इस नेक्स्ट प्रेगनेंसी में भी हो सकता है। दोनों के बीच का अंतराल बहुत ज़्यादा हो गया, 10 साल के आसपास का हो गया, तो हो सकता है आपकी एज ज़्यादा है, 35 से ऊपर की आपकी एज है तो बीपी होने का डर रहता है। आपका वेट ज़्यादा है तो आपको बीपी होने का डर रहता है। आपको पहले से ही कोई दूसरे डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि किडनी का कोई प्रॉब्लम है, लीवर का कोई प्रॉब्लम है, आपको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, आपको माइग्रेन की दिक्कत है, तो इसमें भी आपको बीपी की शिकायत हो सकती है। या फिर आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी है, जैसे कि मैंने बताया था ट्विंस जो होता है, या फिर आपको प्रेगनेंसी से पहले भी बीपी है, तो आपको बीपी की शिकायत हो सकती है, जो कि मैंने बताया क्रॉनिक हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं। अब ये तो हमने बता दिया कि किन किन लोगों में ये ज़्यादा हो सकता है। अब हम आएंगे इस बात पे कि इसकी वजह से क्या हो सकता है। अब देखिए, जो मैंने बताया कि नई ब्लड वेसल्स बन रही हैं, वो यूट्रस से बच्चे तक खून पहुंचेगा। अगर ब्लड वेसल्स नैरो हैं, सकड़ी हैं, तो जो खून पहुंचने वाला होगा वो भी कम हो जाएगा। खून कम हो गया तो बच्चे की ग्रोथ कम हो जाएगी, जिसे अपन कहते हैं फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन। तो इसमें क्या, कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी पूरा टाइम लेने से पहले भी है, डिलीवरी करानी पड़ सकती है, वो हम आपको आपकी विजिट पे आपको बताएंगे। इसमें आपकी कलर डॉपलर कराई जाएगी, रंगीन सोनोग्राफी, जिसमें ये देखा जाएगा कि बच्चे को खून तो सही पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा है। इस इनसफिशियंसी के भी लेवल्स होते हैं 1, 2, 3, लेकिन वो जब आप विजिट करेंगे तब हम बताएंगे। तीसरा, बीपी की वजह से इक्लैम्पशिया हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया था कि ताण आ सकती है। ताण में बच्चे को तो खतरा ही है, लेकिन माँ की जान को ज़्यादा खतरा हो जाता है। फिर एक होता है हेल्प सिंड्रोम, जो कि लीवर पे असर करता है बीपी। उसमें एक तो आपका जो हीमोलाइसिस, ब्लड सेल्स जो हैं वो टूटना शुरू कर देती हैं, लीवर की जो एंजाइम्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तीसरा, प्लेटलेट की काउंट कम हो जाती है, मतलब सफ़ेद खून कम हो जाता है, ये भी एक खतरनाक इसका कॉम्प्लिकेशन है। तो आप अपनी विजिट सही से लीजिए डॉक्टर से, तो ये सब चीज़ें हम चेक कर पाएंगे। फिर एक होता है प्लेसेंटल अब्रप्शन, मतलब कि आउल जो होती है वो अपनी जगह छोड़ देती है वहाँ से, जो कि मैंने बताया था शिराएं वहाँ पे जो खून पहुँचाने वाली हैं उनमें कुछ डैमेज हो सकता है, तो वहाँ से खून छूट सकता है। उसमें भी बच्चे की जान को खतरा और माँ की जान को, दोनों को खतरा हो सकता है। फिर जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, आपकी लीवर है, किडनी है, लंग है, हार्ट है, इनमें भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, ये भी आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। फिर आपका जो हार्ट है, इसके ऊपर एक लंबा असर भी छोड़ के जा सकता है बीपी। मान लो कि आपको एक के बाद दूसरी प्रेगनेंसी और दोनों प्रेगनेंसी में आपका बीपी बढ़ा हुआ है, तो आपके हार्ट का वर्कलोड बढ़ जाता है, उसकी वजह से हार्ट में एक परमानेंट प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है।
और जैसे कि मैंने बताया कि अगर बीपी ज़्यादा है तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपकी सोनोग्राफी होगी, आपकी बीपी की टैबलेट्स चालू की जाएंगी, आपको डाइटरी एडवाइस दिया जाएगा, और इन सब से भी बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि डिलीवरी टाइम से पहले करवानी पड़े। उसको अपन बोलते हैं प्रीटर्म बर्थ। तो उसमें भी बच्चे को भी देखो खतरा है ही कि टाइम होने, एक तो बच्चा टाइम होने पर ही अपन डिलीवरी करवाएँ और एक थोड़ा टाइम से पहले करवाएँ। तो ये मैं आपको बता चुकी हूँ आज बीपी क्यों होता है, किन लोगों में ज़्यादा हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती हैं। तो आज अपन इतना ही करेंगे, थोड़ा सा लंबा ये वाला टॉपिक है। तो नेक्स्ट इसकी बातें कि इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसका डायग्नोसिस कैसे होगा और इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ये सब बातें मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू।